कि फ्रेंड्स, आज हम सूजी का उत्पम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर मैंने 3 कटोरी सूजी ले ली है और इसके अंदर मैंने 3 कटोरी सूजी लेने के बाद हरा धनिया, हरी मिर्च और जीरा ये सब डाल दिया है। हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा है, धनिया को एज यूज बारीक ही काटना है और जीरा मैंने डाल दिया। नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला है, मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक डाला है और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली पाउडर डाल दिया है और मैंने इसको 1.5 कटोरी दही से अच्छी तरीके से घोल के तैयार कर लिया। इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी के अंदर इसको पूरा घोला है। ये देखिएगा, अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, मगर इस तरीके का इसको इतना गाढ़ा बनाइएगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने 1 प्याज बारीक काट लिया और 1 टमाटर काट लिया है। अगर शिमला मिर्च आपको पसंद हो तो आप वो भी काट के डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको आप फैला लीजिएगा इस आकार में। अच्छी तरीके से आप अपने पैन में घी लगा दीजिएगा और ये टमाटर और प्याज इसके ऊपर आप फैला दीजिएगा। इस तरीके से आप 1 चम्मच देसी घी चारों तरफ इसके तरीके से लगा दीजिए। इसको बढ़िया सा गुलाबी होने तक हम सेक लेते हैं। देखिए, बढ़िया सा करार हमारा चीला बन के तैयार हो गया और हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से गर्मा गर्म सूजी का चीला कह लीजिए, उत्पम कह लीजिए, आप लोग टमाटर के सॉस के साथ एंजॉय कीजिएगा। हरा धनिया की चटनी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच।